नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। जम्मू एंड कश्मीर में मारे गए आतंकी की याद में हुए क्रिकेट मैच, यूएपीए के तहत शोपिया में 10 स्थानीय युवक गिरफ्तार। गलवान झड़प के 80 दिन बाद पहली बैठक, रूस में राजनाथ और चीन रक्षा मंत्री के बीच 2.5 घंटे चर्चा हुई। भारत की दो टूक है, एलसी पर सेना बढ़ाना समझौते का उल्लंघन। सुशांत की मौत का मामला, 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड पर रहेंगे शोविक चक्रवर्ती, मिरांडा को भी 4 दिन के रिमांड पर भेजा, केजान 14 दिन के नाजिक हिरासत में। बांग्लादेश की मस्जिद में लगे एसी में विस्फोट, नमाज अदा कर रहे 12 लोगों की मौत। हिमाचल के चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर दरका पहाड़, वाहनों की आवाजाही ठप, ब्यास नदी में पहुंचा मलबा। हिमाचल प्रदेश में 2 स्वास्थ्य कर्मियों समेत 4 नए मरीज, कुल्लू में गायनी वार्ड सील। पंजाब में कोरोना से 49 और मौतें, अब तक 1739 की जान गई, 948 स्वास्थ्य कर्मी भी चपेट में। हरियाणा में सीरो सर्वे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, राज्य में 7.32% लोगों में मिली कोरोना की एंटीबॉडी। हरियाणा में कोरोना से 19 की और मौत, 1884 नए पॉजिटिव मिले, अब तक 71,983 संक्रमित। अब डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं, ऑन डिमांड हो सकेगी कोरोना की जांच। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।